अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन हज़रात, मैं पेट्रियन एक्सक्लूसिव क्लब के हवाले से खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन पेट्रन्स का जिनकी सरपरस्ती के सबब हमने खासी स्ट्रेंथ गेन की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसी अंदाज से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं साथ ये रिक्वेस्ट भी करूँगा उन दोस्तों से कि जो फ़िलहाल सोच रहे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सक्लूसिव क्लब की मेम्बरशिप हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम, कसौटिया ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और बबू राणा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी आप दानिश्वर हैं? थोड़ा थोड़ा शायद। सर पिछले दिन तुहाड़ी एक तस्वीर वेखी। अच्छा जी। इमरान खान साहब के नाल खुशगवार मूड च। मैं अक्सर खुशगवार मूड में ही होता हूँ उनके साथ। क्या करें, मोहब्बतें पक्की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खान के साथ मोहब्बतें पक्की हैं क्योंकि खान एक बहादुर आदमी है और बहादुर आदमी हमें बहुत पसंद है। पाकिस्तान को बहादुर सियासतदान बहुत कम नसीब हुए हैं, ये वजह है कि उसके साथ मोहब्बत है। बाकी वो इमरान के अंदर बहुत कम वो चीज़ें हैं जिनके साथ मोहब्बत की जाए, बल्कि ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर भागा जाए। ओह, मसलन की मसलन इमरान की आकड़, ओह इमरान की खुद पसंदी, और इमरान का एक वैसे रोब दबदबा। लेकिन दो आतिशा नहीं हो जाता? दो आतिशा उसके साथ हो जाते जो उसे मोहब्बत करने लग जाए ना, उसे फिर अपना लीडर मान ले, लीडर मुर्शद बन जाता, पीर बन जाता, फिर पीर की हर चीज अच्छी लगती है। वाह वाह, ये बात है। उसकी कजरवी भी अच्छी लगती है, टेढ़ापन भी उसका है ना जो, वो भी अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे ही। तो सर स्टार्ट करते हैं आज की कसौटी। जी जी। हमारे साथ वलीद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना डर गया, वो सलाम का जवाब नहीं दे रहा कि बुझ ना जान। इतने अच्छा है पूछे। ठीक। वेलकम टू द शो वलीद। थैंक यू। जी वली साहब जिंदा। शख्सियत मर्द। जी सर जिंदा। नो सर। आहा, सारी गल दुआ ने कठिया पूछा, जिंदा होया भी थे। एशियन? नो सर। यूरोपियन? भी है। भी है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज लाते हैं जी। भी है यूरोप से अमेरिका, और दूसरा ताल्लुक अमेरिका से? जी सर। लाइक कार्नेगी। ओके 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 ओके, दूसरा ताल्लुक अमेरिका से। साइंस की शख्सियत हो सकती है मैं आपको बताऊं, या शोबिस की शख्सियत हो सकती है? ताल्लुक इल्म और फजल से? नो सर। तो फिर साइंस की शख्सियत नहीं है। सियासत और हुकूमत? नो सर। ये कोई बड़ा जी पर्सनालिटी ढूंढ के लाए हैं। शोबिस से ताल्लुक? जी सर। हैं? अरे आई एम सरप्राइज्ड। वो इस दफा आपको उसने दिखाई खबी है। हमारी सजी है। मैंने कहा था ना कि यूरोप से अमेरिका गया हुआ डेफिनेटली कोई फनकार ही हो सकता है। अब आइए ग्रेवयार्ड शिफ्ट पे। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। 98 से पहले। अच्छा। 50 से ज्यादा? नो सर। 50 और 25 के बीच? जी 1973 से 1998 के दरमियान। 1973 से 1998 के दरमियान। ओके ऑलराइट। वैसे तो कितने सवाल हो गए? 10 सवाल। अल्फ्रेड हिचकॉक वाज ब्रिटिश टर्न्ड अमेरिकन? या ब्रिटिश। और वो जो था कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ये हो चुके हैं वैसे। और उन्होंने हमें बताया नहीं कि शख्सियत हो चुकी है। अच्छा, अल्फ्रेड हिचकॉक उनसे नहीं मिलते हमारे जो पाशा साहब हैं? नो नो, वजह शोहरत अदाकारी या मौसीकी भी हो सकती है भाई। सर मोस्ट प्रोबेबली हम पहले कर चुके हैं। तो मुझे लास्ट याद है वो जॉन लेनन था। वजह शोहरत अदाकारी है जी? नो सर। सिंगिंग? म्यूजिक हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्टर थे कोई? जी सर। ओके। ओहो, ब्रिटिश डायरेक्टर। डेविड लीन हमने किया था और हमसे पूछा नहीं गया था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ही नहीं किया? जी नहीं की थी। पैसेज टू इंडिया ही नहीं की थी। ब्रिज ऑन द रिवर कवाई नहीं की थी। या एपिक्स या हॉरर, ये अपना अल्फ्रेड हिचकॉक एंड डॉक्टर जिवागो। क्या ट्रेजेडी थी वैसे ये।
अच्छा जी, एपेक्स डायरेक्ट करने की बिना पर मशहूर थे, जैसे डेविड लीन है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जैसे विलियम वाइलर है। नो सर। नो, वाइलर लीन नहीं है। वॉज ही नोन फॉर हॉरर मूवीज? यस। तो फिर ब्रांड है, ब्रांड। साइको के क्रिएटर पूछे आपने? जी सर। अल्फ्रेड हिचकॉक। अरे जी सर। हॉरर मूवियां बनाइयां ने सारियां। जी जी। सस्पेंस। वर्टिगो। वर्टिगो। बर्ड्स। बर्ड्स देख लो, परेशान हो जाओ। अच्छा जी। लाखों बर्ड्स उसने इकट्ठे करके बिठा दिए। उस वक्त ये नहीं था होता एनिमेटेड वीएफएक्स। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। इन हाउस। ओके। मर्द? नो सर। नो सर, फॉर अ चेंज। आपने मर्द इस तरह का जैसे कहते हैं मरवी। मर्द, मर्द क्या होता है? अच्छा जी, मर्द नहीं है। उसे होना भी नहीं चाहिए। लेडी। जिस तरह उसे मिस प्रोनाउंस किया गया है ना भाई, तुसी अगे तो मेरा ना एज दानश्वर तारफ नहीं कराऊंगा। मैं अभी मौजूद जा होके बैठा, सारा काम तुसी करी जा रहे हो। आपको किसने कहा मौजूद होने के लिए? आप दोनों काम कीजिए। ना बैठाओ दो दिन पांडे जो मेरा काम है। उन्नू होता तो आपको बताता कि ओए एज उन्नू तो एज सड़क उन्हें बेइज्जती इतनी नहीं आएगा दोबारा। He got a severe headache from here. नहीं नहीं, मैं कह रही वो होता तो आपको बताता कि आप एज ए भंड यहाँ पर आए हैं। Is she alive? No sir. जिंदा नहीं है। Asian? जी सर। तो इस इरा पे जाया जाए जी। जाइए। इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? No sir, 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा? जी सर, 1998 से पहले। 98 से पहले? 73 से 98 के दरमियान। ओके। ताल्लुक जनूबी एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? जी सर। शोबिज। ताल्लुक शोबिज से? नो सर। इल्मो फजल। इल्मो फजल से ताल्लुक? सर है, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत नहीं। राणा लियाकत अली माइट हैव डाइड इन दिस। शी फिट्स द बिल। यस। वो अफसाना निगार थी, राइटर थी, शायरी भी फरमाती थी। ताल्लुक सिंध से? नो सर। ताल्लुक सिंध से नहीं है तो पंजाब से फिर किया जाए। सवाल कितने हुए हैं जी? 10 सवाल। 10 सवाल। और शोभा भी इम्पोर्टेंट है कि इल्म और फजल के अलावा। इल्म और फजल से ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत फिर क्या है? वजह शोहरत ये नहीं है, वजह शोहरत सियासत हो सकती है। फरोज खान नून की बीवी जो थी उनकी डेथ बाद में हुई, वो तो वो 69 में मेरे ख्याल फौत हो गए थे। बेगम नून। वकार उन निसा नून। वो कौन थी जो गवादर वाले मामले में जिनका बड़ा किरदार था? नून साहब के बारे में कहते हैं ना कि ही गॉट पाकिस्तान दिस एरिया। तो फिर वकार उन निसा नून की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक्चुअली। ये उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से इन तमाम ख्वातीन जितने आपने जिक्र किया, सबसे अहम मेरे हिसाब से वकार उन निसा नून। और वो गोरी गोरी थी बेसिकली। जी। तो हम सियासत और हुकूमत पर पूछ सकते हैं? जाइए। और सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। नो। कोई मिलिट्री में खातून, कोई बिग बिजनेस? सुबह पंजाब से ताल्लुक? जी सर। कौन मशहूर खातून थी जी? 73 से ऑनवर्ड्स है ना? जी सर, 73 से 98। पीपल्स पार्टी का दौर था और ये सियासी शख्सियत नहीं है। इल्म और फजल से ताल्लुक नहीं है, मतलब वजह शोहरत इल्म और फजल नहीं है। जी, ताल्लुक है, वजह शोहरत नहीं है। नहीं है ताल्लुक। ये भी हो सकता है किसी बड़े अदीब की अहलिया हों, किसी बड़े दानिश्वर की, बड़े राइटर की अहलिया हों। कितने सवाल हुए जी? 12 सवाल। डॉक्टर साहब, मारूफ शख्सियत है ना? जी सर। मतलब बब्बू को भी पता होगा इनका? नहीं सर। वो इतने भी दानिश्वर नहीं है। हाँ, हो सकता। वजह शोहरत को वाकया हो सकता है भाई। देखो ना, इल्म और फजल नहीं है, सियासत और हुकूमत नहीं है। इल्म और फजल से ताल्लुक इन्होंने कहा है। वजह शोहरत ये नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल,
जिन्होंने एक बड़ा खास काम किया हो, फिलान्थ्रोपिस्ट कैनॉट थिंक ऑफ एनी, बिल्किस इदी जैसी आर्टिस्ट हो सकती हैं। नहीं, शोबिज़ तो उनका नहीं है ताल्लुक। आर्टिस्ट मैं कह रहा हूँ, पेंटर वो थी एना मोल्का, एना मोल्का अहमद, एना मोल्का अहमद वाज द फेमस आर्टिस्ट, अनीफ रामे साहब की बड़ी फ्रेंड थी। फिर आर्ट्स का पूछा जा सकता है? यह ताल्लुक फनून लतीफा से? जी सर। ओके, ए पहला क्लू मिलया। पेंटर थी जी सर। फातिना जरा कसौटी ऑलमोस्ट हमारे दायरे में आ चुकी है, बस दो तीन सवालों के बाद इंशाल्लाह खुशियां एकदम वापस आ चुकी हैं, बाहर लाइटें तेज हो चुकी हैं, तो डॉक्टर रूबा थोड़ा सा काट चुकी हैं और इससे पहले हमारी टीम इस वक्त बैठे थे विन विन की पोजीशन में है। बस ये और तो कोई नाम नहीं आ रहा ज़हन में, अब ये थोड़ा सा तरसाएंगे। पहुंच चुके हैं, साजिदा बंडल थी, सलीमा हाशमी थी, और सलीमा हाशमी तो शी इज स्टिल अलाइव। हां, साजिदा बंडल भी आई थिंक शी इज अलाइव, इजंट शी? अच्छा, ताल्लुक एनसीए से था? नो सर। एनसीए की फारगुत तहसील नहीं थी? नहीं सर। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की होंगी फिर डेफिनेटली, ले वो यही होंगी है ना मुल्का अहमद की। अच्छा, ओके ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी होंगी। हां, लैंडस्केप इनकी वजह से पहचान थी। कुछ और भी सोच लें अगर कुछ ज़हन में आती हो तो, क्योंकि नहीं है। वजह शोहरत लैंडस्केप थी जी सर। आपने एना मोल्का अहमद पूछा जी सर। अरे एना मोल्का अहमद पूछ चुके हैं, खुशियां दोबारा वापस आ चुकी हैं। ये हनीफ रामे साहब इनके बड़े अच्छे दोस्त थे और बड़े मोतकद भी थे कि बड़ी बाकमाल आर्टिस्ट हैं, और रामे साहब के पास इनकी पेंटिंग्स काफ़ी सारी मौजूद थी। फिर चीफ मिनिस्टर हाउस में हमने इनकी कुछ पेंटिंग्स आवेज़ा करवाई थी, हमने ख़रीदी थी जिन दिनों आई वॉज देयर। शी वॉज द पायनियर इन पाकिस्तान फाइन आर्ट्स की। एंड व्हेन डिड शी डाई? और ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, वो मैं एनसीए कंफ्यूज कर रहा था। क्या कह रहे हैं? इट्स 94 University. She was a professor at Punjab University. जी सर। बड़ा बाकमाल करियर था इनके। शागिर्दों में गालबन थी रुबीना अशरफ, द फेमस टीवी स्टार। जी सर। मर्द जी एन जो पूछी जा रहे मर्द नहीं मर्द एक मर्द जो जिंदा है? नहीं सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है? एशियाई? यकीनन पाकिस्तानी। एशियाई? नो सर। यूरोपियन? यूरोप से भी ताल्लुक है। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? डेफिनेटली जी सर, 1973 से पहले। 100 साल से ज्यादा? जी सर, 1923 से पहले। 1923 से पहले की? पहले की, यस। आप और पीछे जाएंगे? यूरोप और अमेरिका से ताल्लुक ना? जी सर। आपने अमेरिका पूछा नहीं है, उसने वैसे ही कर दिए वो दो चार सवाल बचाते बचाते She was saving one and she lost 10. कुछ नहीं कर रही थी, हमें मेरे पीछे पड़े रहती हूँ। She is a welder. You robbed the bomb. नहीं मैंने देखा, अक्सर मैं जवाब देख के बोल रही होती हूँ, बोला क्या मैंने देखा ही नहीं। अच्छा जी, इनके इंतकाल को 250 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर, 1773 से 1923 के दरमियान। फिर इसको कैसे नैरो किया जाए जी? 20वीं सदी के करीब करीब की शख्सियत है, 20th सेंचुरी। 1850 के बाद डेथ हुई इनकी? जी सर। ओके, तो यूरोप से भी ताल्लुक, अमेरिका से भी ताल्लुक, मेनलैंड ही हमने पूछा अभी। मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक? जी सर। टेस्ला की डेथ तो बाद में नहीं हुई? और टेस्ला पहले हम कर चुके हैं, इन्होंने बताया नहीं हमें। 1850 के बाद वजह शोहरत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आए, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे,
वो जो दो मियां बीवी थे वो तो खैर बाद के हैं ना, बहुत बाद के हैं रशियंस। ये जो स्मिथसन था जिसने म्यूजियम्स कायम किए, स्मिथसोनियन, तो ही नेवर वेंट टू अमेरिका बट ही वाज अ बिग फैन ऑफ अमेरिका। मेनलैंड यूरोप से कौन गया जी? जर्मनी से बहुत लोग गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बाद की बात। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है, एरा वही बनता है। पूछ ले वजह शोहरत, वजह शोहरत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? नो सर। इल्म और फजल है? इल्म और फजल भी है। भी है जी। 11 सवाल। फिर सियासत और हुकूमत ही हो सकता भाई, दूसरी शोहरत सियासत और हुकूमत है जी सर। 1850 के बाद कौन गया है जी यूरोप से? वेल नोन बंदा वो जो था मजाया जिनकी कोटेशंस हैं, द रिपोर्ट्स ऑफ माय डेथ आर वास्टली एग्जैजरेटेड। मार्क ट्वेन वाज एन अमेरिकन जंपल। ओ हेनरी के बारे में क्या कहते हैं? ओ हेनरी जो है मेरा ख्याल एक दफ़ा अमेरिका छोड़ के भी चला गया था, कोई केस शेस बना हुआ था उस पर, तो ही वेंट टू साउथ अमेरिका बट नॉट टू यूरोप। यूरोप से माइग्रेट करके अमेरिका गए थे जी सर। अब यूरोप में आइए फ्रांस और इटली। फ्रांस, इटली, जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी दौरान हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कोई शख्सियत जो नकल मकानी करके अमेरिका मुंतकिल हो गए, भाग के यूरोप से गया। आप यूरोप का वो मुल्क डिटरमिन करें जहाँ से वो भागा है बेचारा। जर्मनी, ज्यू होगा, जर्मन ज्यू भागा, डेफिनेटली जर्मनी का ज्यू को। हाँ वो हम कर तो चुके हैं वैसे एक दफा। कौन? बर्जिंस्की। तो तुम इतनी पुरानी शख्सियत नहीं है, तो बहुत बात की बात की 23 से पहले की है। तो कितने क्वेश्चन हो गए जी? So 13 questions? 13 questions. वजह शोहरत सियासत, अमेरिका में उसने सियासत नहीं की। आप वहाँ के सियासतदानों को तलाश ना करते रहिए। He was in government and politics in his own country, in his native country, and he fled after World War I. Who comes to your mind? डिगाल शिगाल से पहले कोई ऐसी शख्सियत नहीं। ये हमने डिटरमिन कर लिया ना, यूएस से है ना ताल्लुक। जी जी जी, यहाँ से यूएस गया था। 23 के बाद मरा था, ट्रॉट्स्की तो बाद में मरा, बहुत बाद 40s की बात है वो तो। लेकिन स्टोरी यही है, यहाँ से। He was killed in Mexico. Che Guevara died in Peru, was it? Peru, Ecuador, कोई सी, अर्जेंटीना। अच्छा जी, इधर आए। रोमानिया का कोई हेड, बल्गारिया का कोई सदर, कोई किंग ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, विलियम, फर्दिनंद। हाउ डिड ही गो देयर? इस पीरियड में 1840s में बहुत सारे आयरिश लोग गए हैं, कैनेडीज इंक्लूडेड, टू द यूएस। लेकिन ये तो दिस गाय इज फ्रॉम यूरोप, मेनलैंड यूरोप। जी जी, मुल्क पे आए कि जिस मुल्क से वो गए? सेंट्रल यूरोप से गए अमेरिका जी सर। एंगल्स तो उधर गया था ना, इंग्लैंड। या और सब, इनके इंतकाल 1900 के बाद हुआ जी सर। 1900 से 1923। 15 सवाल। वुड्रो विल्सन का इरा है ये जी, इरा उसी का, लीग ऑफ नेशंस की तैयारियों का इरा है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लीग ऑफ नेशंस का इरा है। जर्मनी पे आ जाए। वी हैव 5 क्वेश्चंस एनीवे। जर्मनी से? नो सर। नो, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया है सेंट्रल। सेंट्रल या ऑस्ट्रिया, हंगरी, सम हंगेरियन प्रिंस, हंगेरियन राइटर। इरा आपको पता चल गया ना, उसकी मौत 1907, 8, 3, 4, 5, 12, 13 वर्ल्ड वॉर से पहले की शख्सियत है ये भाई। यूरोप में क्या हुआ होगा कि ये अमेरिका गया? यूरोप में उस वक्त क्या चीज़ आखिरी सांस ले रहा था, आखिरी हिचकियाँ ले रहा था? अच्छा जी, यूरोप से यूएसए गया था जी सर। टाइटैनिक इसी पीरियड में था, गया वो बर्तानिया से था,
लेकिन पीरियड टाइटैनिक का है. मे बी ही वॉज ऑन बोर्ड द टाइटैनिक. 17 क्वेश्चंस. टाइटैनिक का जो इंजीनियर था ना, ये खुद उस पर सवार था. एंड ही वॉज अ यूरोपियन. टाइटैनिक के साथ ताल्लुक जुड़ता नहीं है कोई. वो जो ओनर था इसका टाइटैनिक का, जिसके नाम की बहुत जो चेन है एक होटल्स की, वो क्या है, बड़ी मशहूर चेन है यार, जो लेक लुइस के किनारे जो ब्लू कलर का होटल है. मैं अजमान में भी गया हूँ इस होटल में. फेयरमॉन्ट. जी फेयरमॉन्ट. फेयरमॉन्ट है वो उसकी मिल्कियत है. स्विट्जरलैंड का वो बंदा जो हमने किया था बॉय स्काउट, लॉर्ड बेडन पावल, यू रिमेंबर? ओके. ही वाज अ ब्रिटिशर. तो रेड क्रॉस वाला था जो स्विस था. और वो हम कर चुके हैं. वी हैव डन रेड क्रॉस ऑलरेडी. लेकिन लॉर्ड बेडन पावल तो डेफिनेटली बरतानवी नहीं था. ही वाज अ लॉर्ड. नाम से तो ऐसा लगता है. 17 questions. ओके. और कोई स्विट्जरलैंड का कोई मशहूर कैरेक्टर जो यहाँ से चला गया हो? आप टाइटैनिक के साथ ताल्लुक पूछें, क्योंकि मुझे वो खटक रहा है बीच में. कुड बी. और सवाल, टाइटैनिक से कोई ताल्लुक इसका? नो सर. नथिंग. 18 क्वेश्चंस. 1900 से ऑनवर्ड्स जो अमेरिका में मरे हैं मशहूर लोग, नॉन अमेरिकन्स, उनमें कोई बंदा ज़हन में आता है? कोई फिक्शन राइटर है? नो सर. नो. लास्ट क्वेश्चन. मस्ट बी ऑस्ट्रियन. ऑस्ट्रियन. डेफिनेटली ऑस्ट्रियन, क्योंकि जर्मन नहीं है तो ऑस्ट्रियन है. या पोलिश होगा कोई, फिर सोल्जनिटसन टाइप कोई कैरेक्टर वहाँ का भागा हो कोई. लेकिन उस वक्त तक पोलैंड से क्यों भागेगा वो? पोलैंड से तो भागना चाहिए था 23 के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर में. 23 के बाद जो ही लेनिन मरा है 24 में, तो पोलैंड की शामत आनी शुरू हो गई थी. कैटलिस्ट बना हिटलर इस पीरियड में. हिस्टोरियन कोई, कौन सा हिस्टोरियन वहाँ गया यूरोप से? सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गए हैं लोग, उसके बाद गए. मजहबी राइटर. मजहबी. ये मॉर्मन वगैरह जो हैं, दे वेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड. And actually, persecution was the reason. फिर एक और जो फिरका है, जो मॉडर्न चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते. नहीं, मॉर्मन तो अमेरिका में पैदा हुए, वो दूसरे जो थे उनको क्या, आमिश. आमिश. आमिश वेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड. जी जी. जेकब के क्या उनका नाम था लीडर का? मैरोनाइट्स. बट मैरोनाइट्स तो और. तो बहरहाल इसका पूछ सकते हैं कि हम थोड़ा सा करीब हो जाएंगे अगर स्विट्जरलैंड से गए वो लोग, ये बंदा गया. Go ahead. ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था? नो सर. नो. क्वेश्चंस खत्म. अब आपने नाम लेना. नाम कोई जहन में नहीं आ रहा जी. आप बताइए. जोसेफ पुलित्जर. जोसेफ. जोसेफ पुलित्जर. हंगेरियन अमेरिकन. हाँ. पुलित्जर प्राइज वाला. He died in 1917. 1911. 11. And he went from? Hungary, Hungarian American. Aha. Good. Okay, चलो अच्छी बात. Not bad.